हम बचपन से सीखते आए हैं शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें दूसरों के साथ शेयर करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, जिससे आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह और बीमारी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन खास चीजों के नाम जो हमें कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। उनमें पहले नंबर पर आती है जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र के अनुसार शनि का वास मनुष्य के पैरों में होता है, इसीलिए किसी के जूते चप्पल पहनने से शनि का प्रकोप हमारे ऊपर आ सकता है। इससे आर्थिक तंगी, करियर में रुकावट और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कलम यानी कि पेन। अक्सर लोग ऑफिस, कॉलेज या किसी अन्य जगह पर काम करने के लिए पेन या पेंसिल उधार ले लेते हैं। वास्तु के हिसाब से ऐसे में ये ध्यान रखें कि उधार लिया पेन वापस करना न भूलें। इससे आपको आर्थिक तंगी और करियर के क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। परिवारों और दोस्तों में कपड़े एक्सचेंज करना बहुत आम बात है, लेकिन वास्तु के अनुसार कपड़े व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़े होते हैं, इसीलिए किसी के कपड़े पहनने से व्यक्ति की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। अगर आपने किसी नेगेटिव पर्सन के कपड़े पहन लिए तो हो सकता है कि उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट करे। दूसरों से मांगकर घड़ी भी कभी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि घड़ी व्यक्ति के समय और भाग्य से जुड़ी होती है, और हो सकता है कि हम जिसकी घड़ी पहन रहे हैं वो पर्सन नेगेटिविटी से फुलफिल हो। दूसरों की कंघी को इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार कंघी का उपयोग व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा होता है, इसीलिए किसी की कंघी इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत का नुकसान हो सकता है। और वैसे भी दूसरों की कंघी यूज करने से पहले उसके हेयर स्कैल्प की कोई भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, इसीलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। तो दुनिया में ज्ञान बहुत है और ज्ञानी तो उससे भी ज्यादा, लेकिन काम का ज्ञान सिर्फ मैं ही दूंगी। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।